नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम दिनांक 12 सितंबर के लिए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के दिन शुभ जो काल बोलते हैं, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वह है दोपहर 12:27 से लेकर 12:47 तक। और अशुभ काल, जिसे राहु काल भी कहा जाता है, वह है दोपहर 12 से दोपहर 1:30 तक। आज के दिन चंद्रमा है, वह चंद्रमा कन्या राशि से तुला राशि में भ्रमण करेगा दोपहर 1:31 से। और चंद्र का आज के मंगल के साथ केंद्र योग और शुक्र के साथ युति योग हो रहा है, उसी तरह आज चंद्र हर्षल प्रतियोग भी हो रहा है। तो इसी जो ग्रहमान है या फिर योग है उसी को ध्यान में रखते हुए 12 राशि का राशिफल क्या होगा उसको हम अभी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले है मेष राशि के षष्ठ भाव का जो चंद्रमा है वो दोपहर 1:30 बजे के बाद तुला राशि में जाएगा और वहां पर स्थित जो शुक्र है उसके साथ युति करेगा और आपके आपके लगन में, मतलब आप ही के राशि में जो हर्षल है उसके साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो दोपहर तक आपका जो मूड है वो थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, लेकिन शाम तक कोई बातों पर आपका मूड उतना अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि अगर आप विवाहित हो तो आपके पार्टनर के साथ आपका मूड अच्छा रहेगा, लेकिन किन्हीं बातों को लेकर वो जो बातें रहेंगी वो आपके खुद के थोड़े बहुत टेंशन रहेंगे, खुद के थोड़े विचार रहेंगे, उसकी वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके दिमाग में रहेंगे। और जैसे दिन बीतेगा वैसे जो आपके लाइफ पार्टनर रहेंगे, आपके जीवन साथी रहेंगे, उनके साथ भी आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स या फिर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स या फिर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो दिमाग है वो दिमाग ठीक नहीं रहेगा। तो वह यही बात रहेगी, इसकी वजह से आपका जो दिन है दिनांक 12 सितंबर का वो मिला जुला रहेगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के छठे भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा, मतलब पंचम भाव से लेकर छठे भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा। आपके लिए भी आज का जो दिन है वो करीबन मिला जुला रहेगा, क्योंकि दोपहर तक तो आपका मूड बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पहले करीबन 6-7 दिन तो आपने बहुत ही अच्छे देखे हैं। लेकिन कल का जो दिन, मतलब 12 सितंबर का जो दिन है, 12 सितंबर के दिन दोपहर के बाद चंद्रमा जैसे ही तुला राशि में जाएगा उसके बाद आपका जो मूड है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। खास करके सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना, सेहत के बारे में कुछ ऊपर नीचे आपकी बात हो सकती है, तो सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपके जो भाग्य स्थान में जो मंगल है वो भी अष्टम भाव के चंद्रमा से केंद्र योग करने जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए सेहत के बारे में तो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकती है। इसके बाद की जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के चतुर्थ भाव से चंद्रमा का भ्रमण पंचम भाव में होगा और वहां पर स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तो अगर आप कलाकार हो, अगर आप किसी कला में डील करते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। अलग अलग आइडियाज आपको आ सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इसी में डील करते हो, तो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे आपको जो रिजल्ट्स है वो मिल सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी से प्रेम करते हो, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यदि आप विवाहित हो और आपके बच्चे हो, तो उनके बारे में कुछ ना कुछ तो उनके लिए आपके मन में कुछ ना कुछ तो ऐसी थोड़ी बहुत चिंता वगैरह आ सकती है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ सकता है, तो वही बात है। लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो आपका जो दिन है दिनांक 12 सितंबर का वो आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा मिथुन राशि के लिए। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के तृतीय भाव से चंद्रमा कर्क राशि के चतुर्थ भाव में जा गया और चतुर्थ भाव से वह आपके दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ प्रतियोग करेगा। तो आप खुद के लिए, आपके जो फैमिली है उनके लिए तो आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ऐसी कुछ ना कुछ बातें बनेंगी जिसकी वजह से आपकी जो मनस्थिति है वो घर वालों के साथ थोड़ी बहुत बिगड़ने के चांसेस है। आपके मन में विचार भी आ सकते हैं कि हम क्यों इतने घर वालों के बारे में सोच रहे हैं, हालांकि वो हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये जो सोच है घर वालों के बारे में आपके मन में आ सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके लिए वैसे तो शुभ दिन रहेगा। फिर भी आप खुद ही सोचोगे कि आप जितना डेडिकेटेड हो, जितना समर्पित हो आपके घर वालों के बारे में, वो डेडिकेशन, वो समर्पण आपको घर वालों से नहीं मिल रहा है। इसी की वजह से आप खुद पे ही थोड़ा सा चिंतित रहोगे, खुद से ही थोड़ा सा आपका मनमुटाव होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि राशि के द्वितीय भाव से चंद्रमा तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और वहां पर स्थित शुक्र का साथ यह चंद्रमा है वह चंद्रमा युति योग करेगा। उसी तरह आपके छठे भाव में स्थित मंगल के साथ यह जो चंद्रमा है वह चंद्रमा केंद्र योग करेगा। तो अगर आपको आपके किसी के साथ कागज, जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होते रहेंगे, तो आज के दिन वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है।
आपके खिलाफ या फिर आपके बारे में कोई ना कोई तो कॉम्प्लिकेशंस या कोई ना कोई तो ऐसे चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है। आज के दिन किसी भी पेपर पर साइन करते हुए थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। डायरेक्टली आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, विश्वास नहीं रखना, क्योंकि आज के दिन ऐसी कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको आ सकती है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हमने तो सामने वाले पे पूरा विश्वास रखा था लेकिन उसने आपका विश्वासघात किया है, तो ऐसी कुछ बातें आपके मन में आ सकती है। उसी तरह आपके भाई और बहनों के साथ अगर संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं तो वो और भी थोड़े ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर उनसे आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स वगैरह भी आ सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। उसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के द्वितीय भाव से मतलब कन्या राशि में जो चंद्रमा है वो चंद्रमा अभी द्वितीय भाव में दोपहर के बाद जाने वाला है, तो आपके लिए जो समय है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी आपने पहले सोचा था वो सभी बातें अभी धीरे धीरे पूर्ण होते हुए नजर आएगी। लाभ के बारे में भी अभी जो दिन है दिनांक 12 सितंबर का वो आपके लिए अच्छा ही जाएगा। सिर्फ एक ही बात है कि घर वाले आपके मतानुसार नहीं ये कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके मन में थोड़ा बहुत उनके लिए चिंता भी हो सकती है, थोड़े असमंजस की भावना भी आ सकती है और थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है, तो वो बात है। और घर वालों के प्रति थोड़ा बहुत आपको खर्चा वगैरह करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपके जो पंचम भाव का जो मंगल है वो मंगल भी यह जो चंद्रमा है वह इस चंद्रमा के साथ केंद्रीय करने जा रहा है, तो एक बात है अगर आप विवाहित हो और आपके संतान है तो उनके बारे में कुछ ना कुछ चिंता हो सकती है और उनके साथ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लेकिन होंगे ज़रूर, तो यही बात हो सकती है दिनांक 12 सितंबर के दिन आपके लिए। इसके बाद की जो राशि है वो तुला राशि। तुला राशि में दोपहर के बाद जो चंद्रमा है वो आप ही के राशि में आ रहा है, तो आपका मूड तो वैसे बहुत ही अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, और उसके बाद लाभ के बारे में या फिर प्रत्यक्ष जो इनकम बोलते हैं उसके बारे में भी आप बहुत ही समाधानी रहोगे। और पिछले 3-4 दिन आपके लिए वैसे भी अच्छे गए थे, बहुत आपने अपने बारे में और फैमिली के बारे में सोचा है, थोड़े बहुत फैमिली के लेकर थोड़ी बहुत तकरार हो सकती है, वो उतने ही दिनों तक रहेगी, मतलब 12 सितंबर के दिन रहेंगे, लेकिन अभी मोटे तौर पे अगर विचार किया जाए तो आपके लिए यह जो दिन है वह बहुत ही अच्छा जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लाभ भाव से जो चंद्रमा है वह चंद्रमा आपके व्यय भाव में आ जाएगा। आपके लिए आज का दिन है वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस लाएगा, मतलब कि आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत गुस्सा आपको आ सकता है, आपको जो मन है वो थोड़ा निराश हो सकता है, तो किसी छोटी छोटी कारणों पे आपका जो मूड है वो स्विंग हो सकता है। इसकी वजह से आपका ये जो दिन है दिनांक 12 सितंबर का वो इतना अच्छा नहीं गुजरेगा, आपको लगेगा भी बहुत खर्चा हो रहा है और हम जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो यह जो बात रहेगी वो मेनली बहुत ज़्यादा स्तर पे आपके जो घर के जो मामला है उसी से ज़्यादा रिलेट करने वाली होगी, तो वही जो बात है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। और जहाँ पर आप काम करते हो तो वहाँ पर जो गुप्त शत्रु जिसे हम बोलते हैं, मतलब ऐसे लोग जो आपके मुंह के ऊपर तो बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन पीछे आपकी जो बातें हैं वो सामने लाते हैं, तो उन लोगों से आपको थोड़ा खतरा हो सकता है या उन लोगों की वजह से आपको मनस्ताप हो सकता है। तो यह जो दिन है उस दिन ज़्यादा सोचो नहीं, जो दिन है जैसे आया है उसी तरह से उसको फेस करो, आगे मतलब एक दो दिनों के बाद यह जो परिस्थिति है वो परिस्थिति निश्चित बदल जाएगी। उसके बाद की जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि के दशम भाव से जो चंद्रमा है वह चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ रहा है, बहुत अच्छा समय है आपको लाभ देने के लिए, तो अच्छे जो मतलब आपने काम किया उसका अच्छा लाभ भी होगा और आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको अच्छी तरह से मदद हो सकती है, हेल्प हो सकती है, और लाभ के बारे में तो बहुत ही अच्छा दिन है। सिर्फ आपके जो पंचम भाव में जो हर्षल है उस हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है, और आपके द्वितीय भाव में जो मंगल है उसके साथ भी यह चंद्रमा है वह केंद्र योग करने जा रहा है, तो इसका महत्वपूर्ण फल यह होगा कि आपको पैसा तो मिलेगा, लाभ तो मिलेगा, लेकिन उसका खर्चा भी होगा, आपके घर वालों के लिए उसका खर्च भी होगा, तो उसकी वजह से आपके मन में थोड़ा बहुत विचार होंगे कि हम पैसा तो आ रहा है लेकिन खर्च भी हो रहा है, तो ये बात होगी, थोड़ी द्विधा अवस्था में आपका मन हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के भाग्य स्थान से जो चंद्रमा है वह चंद्रमा आपके दशम स्थान में आ रहा है, लेकिन आपके लिए तो बहुत अच्छा दिन है, मतलब आपने इसके पहले 2-3 दिन में जो आपका मूड था बहुत अच्छा था वो वैसे ही मूड आगे भी चलेगा, और जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ से भी अच्छा सहयोग आपको मिल सकता है, अच्छी आपकी मनस्थिति बन सकती है। सिर्फ चतुर्थ भाव में जो हर्षल है, आपके लगन भाव में जो मंगल है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ छोटे मोटे बातों पर आप थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं या फिर
आपके मन में ही इसके वजह से अशांत वातावरण हो सकता है, लेकिन अगर काम का देखा जाए तो वो जो परिस्थिति है बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही मिलनसार रहोगे और आप जहाँ पर काम करते हो आपका करियर है वहाँ पर भी अच्छे आपको रिजल्ट आ सकते हैं। जो महिला वर्ग है उनके लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाला दिन होगा क्योंकि घर के मामले से आपकी जो मनस्थिति है वो अच्छी नहीं रहेगी, इतनी ठीक नहीं रहेगी। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अष्टम भाव में से चंद्रमा है, वह चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में आ रहा है और आपके तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करेगा और आपके व्यय भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा है वह केंद्र योग करेगा। जो शुक्र है आपके भाग्य भाव में से भी यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है, तो वैसे देखा जाए मोटे तौर पर तो आपका दिन अच्छा होगा, लेकिन घर के मामलों में या फिर ऐसी कोई छोटी मोटी बातें रहेगी जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, लेकिन कोई काम आपसे छूट गया रहेगा तो उसके वजह से आप में आपके मन में थोड़ी बहुत द्विधा अवस्था होगी, आपका जो मन होगा वो अशांत होगा, आप खुद पर ही थोड़ा सा ज़्यादा ये गुस्सा ये करोगे तो वो बात थोड़ी होगी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। और मिला जुला थोड़ा सा दिन होगा, वैसे मोटे तौर पर देखा जाए तो अच्छा ही होगा, लेकिन पूरी तरह से देखा जाए तो आपके मन में थोड़ी घर वालों के प्रति थोड़ी बहुत आशंका हो सकती है उनके प्रति, या फिर आपके जो भाई बहन हैं उनके प्रति भी थोड़े बहुत आपके मन में विचार अलग तरीके से आ सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के सप्तम भाव से जो चंद्रमा है वह अष्टम भाव में जाएगा और वहां पर स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपको अनपेक्षित जो धन लाभ बोलते हैं, मतलब आपने कोई काम किया है आपने उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन उसी के वजह से कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको आ सकते हैं। गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि उनके ससुराल के संबंध और भी अच्छे और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। और जो भी सिर्फ ये एक है कि आपके आपके लिए जो मतलब विवाहित है उनके लिए जो पैसों का मामला है उस मामले में थोड़े बहुत अड़चन वगैरह आ सकती है, बस वही बात है, थोड़े खर्चे वगैरह हो सकते हैं लेकिन आप उसके लिए ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेंगे, तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो आपका दिन वैसे अच्छा ही होगा। तो मित्रों ये था 12 राशियों के राशिफल दिनांक 12 सितंबर के लिए। आपको ये राशिफल कैसे लगा वह अब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।